ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सस्काल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे। सो हमेशा कोशिश यही है कि तुहानू कोई ना कोई इनफॉर्मेटिव नॉलेज दी जावे जिहड़ी तुहाडे भविख लई ज़्यादा फायदेमंद रहे और जिहदे नाल तुसीं अपने भविख के जिहड़े फैसले ने जिहड़े अज लै रहे हो वो इदां दे होण कि वो तुहाडे भविख नूं एक सुनहरी भविख बना सकन। सो अज दी जिहड़ी मेन टॉपिक जिहदे ते मैं गल करना चाहूँगा वो यूके दे विच जिहड़ी कोर्स सिलैक्शन तुसीं करदे हो वो किन्नी क सही है और किन्नी क गलत है, की एक्चुअली इहदी शेप होनी चाहीदी और की एक्चुअली बच्चा कर रहा है। सो पहला मैं गल करांगा कि बच्चा एक्चुअली की कर रहा है। उस तो पहला मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि यह शो वध तो वध दोस्तां तक पहुंचे, वध तो वध बच्चे अवेयर हो सकन। साडा कोर मकसद यही रहा है। सो बच्चे की कर रहे हैं ज़्यादातर जो तुम कोर्स सिलेक्ट करते हो, खास करके प्लस टू वाले की अज मैं गल करूँगा क्योंकि मास्टर्स वाले का तो बहुत सिंपल है कि उन्होंने एक साल की मास्टर है उस तो बाद वर्क परमिट मिल जाने, बट जो प्लस टू वाले बच्चे ने इन्हों का कोर्स लंबा होता है और इन्हों चो ही ज़्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई बेच छड रहे हैं जिदे करके यूनिवर्सिटियों प्रॉब्लम आ रही है। हुण यह जो बच्चे ने इन्हों एक्चुअली स्टोरी समझ नहीं आ रही, यह जाके घबरा जाते हैं कि 3 साल की फीस देनी कितना है। मेरे घरद्या ने पहले साल की दे के भेजती टिकट के खर्च दिते पर दूजे साल तीजे साल मैं किदा फीस कहूँगा। सब तो पहला डर इन्हों का आ हुंदा है। दूजा डर इन्हों का हुंदा है पढ़ाई, मैं को पढ़िया नहीं जाना या मैं पढ़ूंगा कितना, वो चीज़ा नहीं लैके। सो अज मैं थोड़ा जहा इस विषय पर क्लीयर करूँगा। मैं लगता कि हो सकता है तुहानू विषय बोरिंग लगे बट यह तुहाडे भविख नाल जुड़िया। जिहड़ी भी चीज़ जिंदगी स्वाद लगती है वो अपनी सेहत लिए वधिया नहीं हुंदी और जिहड़ी स्वाद नहीं हुंदी वो अक्सर उन्हों आपां डाइट फूड कह दें और साडे हैल्थ लिए वधिया हुंदा। सो अज का शो भी शायद तुहानू सुनने च उन्ना मज़ेदार या धमाकेदार ना लगे पर इहदे च जिहड़ी इनफॉर्मेशन है वो बिल्कुल तुहाडे भविख दे लई है, तुहाडे लई है, किसी एजेंट लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे बिजनेस लिए नहीं। मेरे बिजनेस से कोई फर्क नहीं पैंदा तुसीं किहड़े कोर्स च जा रहे हो किहड़े च नहीं जा रहे हो, मैनू जिहड़ी इनकम आनी है वो आ जानी है, जिहड़ी कंसल्टेंट नूं इनकम जानी है उन्हूं चले जानी है। सो तुहाडू उहदे च की निकलिया, तुसीं उहदे च की गवाया ते की पाया, वो इंपॉर्टेंट। बहुत सारे दोस्त अक्सर साडे नाल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अप्लाई किदां करना है इस पेंडेमिक दे विच, ऑफिसिस असी सारे नहीं खोल रहे। सो सिंपल है जी, broadwaystudy.com तुसी साडी वैबसाइट ते जाना, उत्थे जाके एक बुक योर वीडियो काउंसलिंग दा तुसी फॉर्म भरोगे, उस तो 24 घंटे दे विच विच साडी टीम तुहाडे नाल वीडियो कॉल दे उत्ते कनैक्ट हो जाएगी। तुसी परिवार नाल बैठ के अपने सारे क्वेश्चन, सवाल, डाउट्स, कन्फ्यूजनस दूर कर सकोगे और अपनी एप्लीकेशन नू करे बैठे ईमेल्स के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट भेज के स्टार्ट कर सकोगे। तुहानू साडे ऑफिस विजिट करन दी लोड़ नहीं पाऊगी, बट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करन तो बाद किसी भी स्टेज पर तुसी सानू मिलना चाहते हो तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट बना के आके मिल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बैटर है और ब्रॉडवे कॉन्फिडेंट है कि तुहानू घर बैठे सारिया सर्विसिज दे सकती है। और चैनल नू भी सबसक्राइब करके रखो ताकि हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुहाडे तक पहुँचती रहे। सो ज़्यादा समा नहीं लूँगा, अज दे इंपॉर्टेंट शो वाल आप चलते हैं। सत श्री अकाल। नाउ प्लस टू वाला बच्चा जो नॉर्मली जाता है तो वह 3 साल की ग्रेजुएशन लेंदा है। सो इत्थे हुण आपां नूं थोड़ा जिहा टैक्निकली अवेयर होना है कि इत्थे बहुत सारिया, कुछ नहीं बहुत सारिया यूनिवर्सिटीज़ बच्चों नूं 4 साल की डिग्री की ऑप्शन दिंदियां ने। पर एक मिनट, यह 4 साल फाउंडेशन वाले की नहीं मैं गल कर रहा, उन्होंने साइड पर रख दो, वो तो उस बच्चे लिए है जिहड़ा बच्चा प्रोफाइल च वीक है। इत्थे हुण जिहड़ी मैं गल कर जा रहा वो मैं गल कर जा रहा नॉर्मल बच्चे की जिहड़ा सीधा डिग्री च एक्सैप्ट हुंदा और उहदी डिग्री 3 साल की हुंदी है। इत्थे हुण मैं कह देना चाहुंदा कि वह 4 साल की एक डिग्री लै सकदा है। हर यूनिवर्सिटी च ऑलमोस्ट ऑप्शन हुंदी है। इहदे विच हुण प्रैक्टिकली हुंदा की है वह मैं दस दिना। पहले साल तुसीं अपना फस्ट ईयर करते हो, दूसरे साल तुसीं अपना सैकेंड ईयर करते हो, थर्ड ईयर हुंदा है सैंडविच ईयर, ठीक है जी, उन्हूं सैंडविच ईयर किया जाता है। उहदे विच तुसीं सिर्फ फुल टाइम जॉब करते हो, तुसीं सिर्फ अपनी नौकरी करते हो जिहदी प्रोबेबिलिटी कि वह सेम फील्ड च मिली हुंदी है तुहानूं जिहदे विच तुसीं डिग्री कर रहे होंदे हो। फिर चौथे साल आके तुसीं अपनी नॉर्मल डिग्री करते हो। नाउ यह हुंदी है 4 साल की डिग्री। एम ए वीक वाले का फाउंडेशन ईयर जो होया तो वह 5वां हो जाना, वो नहीं मैं ये पा रहा, ठीक है नहीं, उन्होंने शायद यह डिग्री ना भी मिले, डिपेंड्स वो उत्थे यूनिवर्सिटी की कोई लिमिट हो सकती है, बट जो नॉर्मल बच्चे ने उन्होंने सारे यह डिग्री प्रोग्राम मिल सकते हैं।
नाउ हुण इहदा फायदा की है, इहदा फायदा आया कि फर्स्ट ईयर की फीस तुहाडे पेरेंट्स ने औखे सौखे देती सी तुहानू भेज दिता तुहाडे सपनियां दी उड़ान भरन दे लई। नाउ सैकेंड ईयर की जिहड़ी फीस है वह डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो तुसीं फर्स्ट ईयर च करोगे, कुछ ना कुछ तो उहदे च सेव करोगे, ठीक है जी। सो वो तुहानू हैल्प करूगा सैकेंड ईयर की फीस भरन दे विच। फिर भी जे फीस घट भरी गई तो तुहाडे को इटसैल्फ सैकेंड ईयर तुसीं उहदियां इंस्टॉलमेंटा बना के रिमेनिंग पैसे दियां वह भी पे कर सकते, ठीक है जी। सो दूसरे साल की भी फीस सॉर्ट हो। तीसरा साल तुहाडा सैंडविच ईयर है जिहदे च तुसीं यूनिवर्सिटी नूं फीस नहीं दे रहे, ठीक है जी। तुसीं सिर्फ तो सिर्फ फुल टाइम जॉब कर रहे हो और वो प्रॉपरली अपनी फील्ड दे विच कर रहे हो जिहदे च भी तुसीं पढ़ रहे सी, और कई इत्थे यूनिवर्सिटीज़ दे ईवेंट प्रोग्राम्स होंदे आ जिहदे विच तुहानूं वो जॉब मिलन च पॉसिबिलिटीज़ होंदियां ने। अदरवाइज़ नहीं भी मिले तां वी तुसीं अपना सैंडविच ईयर क्लेम कर सकते हो और तुसीं कोई भी जॉब कर सकते हो। हुण उह तीसरा साल तुसीं फुल टाइम अर्न करोगे और उस तो बाद तुसीं चौथे साल दे विच आके अपनी फीस देनी है ते अपनी चौथा साल कंप्लीट करना और डिग्री कंप्लीट करनी। उस तो बाद फिर तुहानू दो साल का पी एस डबल्यू वर्क वीज़ा मिलना। सो इस तरीके नाल एक प्लस टू तो बाद जाने वाला बच्चा भी अपनी डिग्री नू सहजे कंप्लीट कर सकता है, वह सहजे उदी कोर्स की फीस कट सकता है, वह सहजे अपने भविख अल वध सकता है। और सब तो वड्डा उहदा फायदा की होया इस प्रोसैस च कि उहदे छे साल का जिहड़ा लीगल स्टे सी उत्थे कंप्लीट हो चुका, ठीक है जी। तुहानू छे साल का लीगल स्टे इत्थे कंप्लीट हो चुका है। ये हुण आपां गल करदे हां कि आपां नूं टायर टू नहीं मिलता, आपां दो मिनट लई सोच लैंदे हां कि मैनूं टायर टू नहीं मिलना, मैं अज प्लस टू च जा रहा, अगर मैनूं टायर टू ना मिलिया मैं पी आर कितना लाऊंगा। सो यूके लॉ की कहता है, यूके लॉ कहता जी तुहाडी 10 साल की लीगल स्टे होनी चाहिए उस कंट्री। सो तुसीं अपना पी आर क्लेम कर सकते हो। हुण उह 10 साल की लीगल स्टे तक कितना पहुंचना, सो छे साल इदा हो गए सी, उहदे विच हजे तुहाडी मास्टर्स बाकी है, तुसीं चाहो तां उह वी कर सकते हो। तुहाडे कोल उत्थों पढ़े हो तुहाडी पी एच डी बाकी है, तुसीं चाहोगे तां उह वी कर सकते हो। पी एच डी मास्टर्स मिला के 5 साल तक का वीज़ा एक्सटेंशन उहदे विच पॉसीबिलिटीज़ है। सो कई तरह दियां जिहड़ियां पॉसीबिलिटीज़, और बिना कोई कोर्स पुट्ठा चूज़ कीते हुए, मतलब तुहानूं किते वी अपनी स्टेज च कोर्स नूं डीग्रेड नहीं करना, क्योंकि आह वी इक नवें रूल दी कंडीशन है कि जिहड़ा तुहाडा एन क्यू एफ लैवल है नैशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क वो अप होना चाहिए, मतलब ग्रैजुएशन, ग्रैजुएशन तो बाद मास्टर्स, मास्टर तो बाद पी एच डी, मतलब तुसीं पौड़ियाँ चढ़ते होने चाहिए। सो अगर इस तरीके नूं बच्चा फॉलो करेगा वो बच्चा किते भी पी आर तो नहीं रहिंदा और उन्हें किसी भी स्टेज पर टायर टू वीज़े की भी लोड़ नहीं पैंदी। सो यह चीज़ जी मैं तुहानूं इस शो च दस रहा तुहानूं किसी ने नहीं दसनी, क्योंकि ये अंदरली टैक्नीकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सो यह चीज़ नूं ध्यान ना समझो, प्लस टू वाले अगले इनटेक्स तो असी ऑफिस च बहुत समझाने की कोशिश की, पर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को मानते नहीं, कहते जी बस क्योंकि बहुत ज्यादा मकसद शायद जाते ही माइंड च पहला ही प्लैंड है कि मैं छड़ देनी है यूनिवर्सिटी, सो वो पहला ही नहीं सोचते। बट अगर तुसी सही तरह सोच के चलोगे वीरे तो जिथे तुसी पहुँच सकते ना उत्थे कोई होर नहीं पहुँच सकता। जिहड़ियां क्वालिफिकेशनस तुसी कर जोगे, जिदा के इनवायरमेंट्स तुसी रह जाओगे, सैंडविच ईयर के दौरान, मास्टर्स के दौरान, मास्टर्स के वर्क परमिट के दौरान, पी एच डी के दौरान, तुसी जो बाद च निकलोगे ना वो सलूट करनगे तुहानू। सो गल है कि जो आप जिंदगी कुछ वड्डा बनाना हुंदा है तो उहदे लई मेहनत भी वड्डी मारनी पैंदी और समा भी लगता है। सो अपने आप नू जिंदगी समा दो। तुसी प्लस टू करके जा रहे हो 18 साल की उम्र के, 19 साल की उम्र के, 20 साल की उम्र के, ये 7-8 साल अगर तुसी अपने आप को दे दोगे उस देश दे विच जिदे विच तुसी बकायदा अर्न भी करोगे, सारा कुछ बनाओगे और नाल नाल करियर नू अपने नू शेप देंदे होवोगे, तो यू विल बी एट अ नैक्सट लैवल। एक सलाह सी तुहाडे लई, मननी नहीं मननी तुहाडी मर्जी है, अज दे लई इन्ना, सति श्री अकाल। सो बहुत सारे दोस्त अक्सर साडे नाल कॉन्टैक्ट करन दी कोशिश करदे आ, अप्लाई किद्दां करना है इस पेंडेमिक दे विच, ऑफिसिस असीं सारे नहीं खोल रहे। सो सिंपल है जी, broadwaystudy.com तुसीं साडी वैबसाइट ते जाणा, उत्थे जाके एक बुक योर वीडियो काउंसलिंग दा तुसीं फॉर्म भरोगे, उस तो 24 घंटे दे विच विच साडी टीम तुहाडे नाल वीडियो कॉल दे उत्ते कनैक्ट हो जाएगी। तुसीं परिवार नाल बैठ के अपने सारे क्वेश्चन, सवाल, डाउट्स, कन्फ्यूजनस दूर कर सकोगे और अपनी एप्लीकेशन नू घरे बैठे ईमेल्स के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट भेज के स्टार्ट कर सकोगे, तुहानू साडे ऑफिस विजिट करन दी लोड़ नहीं पौगी। बट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करन तो बाद किसी भी स्टेज पर तुसी सानू मिलना चाहते हो तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट बना के आके मिल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बैटर है और ब्रॉडवे कॉन्फिडेंट है कि तुहानू घरे बैठे सारिया सर्विसिज दे सकती है। और चैनल नू भी सबसक्राइब करके रखो ताकि हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुहाडे तक पहुँचती रहे।
ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।